हेलो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट वीडियो। आपको वीडियो के लास्ट में पता लग जाएगा कि ये आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अक्सर देखा होगा जो गीजर इंस्टॉल करना आसान होता है। मैंने वैसे वीडियो भी अपलोड करी है जिसमें सिर्फ 5 मिनट में गीजर को इंस्टॉल करना और प्रॉपर इसकी फिटिंग्स कैसे करनी है उसको सिखाया है। जैसा कि हमें पता है, गीजर में एक होता है आउटलेट और एक होता है इनलेट। लेकिन जो इनलेट के साथ आप साइड में देख सकते हैं, ये क्या चीज होते हैं, इसका क्या फंक्शन होता है, ये होता है सेफ्टी वॉल्व। इसको समझने से पहले हम गीजर के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। अगर हम बात करें कि गीजर के अंदर क्या क्या चीज होती है, ये आपका हीटिंग एलिमेंट होता है और ये थर्मिस्टर होता है और ये वाला जो है ये होता है कट ऑफ। वैसे तो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके कनेक्शन के बारे में, लेकिन सबसे पहले हमें जो सेफ्टी वाल जो यहाँ साइड में देख सकते हैं, इसको समझने से पहले हमें इन सभी फंक्शंस को भी ध्यान से समझना होगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं। आप अगर डिटेल में समझना चाहते हैं, आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो आपको इसको थोड़ा समय देके आप डिटेल में इसको समझ सकते हैं। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपको किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके फंक्शंस को। ये हमारा है 3 पिन टॉप। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई हीटिंग तक नहीं पहुँचती है। ये हमारा हीटिंग एलिमेंट है, डायरेक्ट नहीं पहुँचती है। ये एक कुछ एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजर कर यहाँ तक पहुँच जाती है। सबसे पहले हम एक वायर को जो न्यूट्रल आप देख सकते हैं, न्यूट्रल को डायरेक्ट हमने हीटिंग में जोड़ रखा है। ये है हीटिंग एलिमेंट्स। तो अब जो फेज वायर है, फेज वायर को हम सबसे पहले लेके आते हैं कट ऑफ के पास, उसके बाद हम लेके आते हैं थर्मोस्टेट के पास। देखो, अब थर्मोस्टेट के बारे में थोड़ा ध्यान से सुन लो। थर्मोस्टेट की जो रेंज होती है वो होती है 50 डिग्री से 70 तक, इसके बीच में। ये कैसा वेरी करता है, अगर सर्दी का मौसम है तो उस समय थर्मोस्टेट की रेंज होनी चाहिए 60 से 65 के बीच में। अगर आपका गर्मी का मौसम है तो उस समय जो इसकी रेंज होनी चाहिए 50 से लेकर 55 तक के बीच में। ये तो हमने समझा थर्मोस्टेट की जो रेंज होनी चाहिए। अब हम जो बात कर रहे हैं, आज का हमारा जो मेन मकसद है वो इसको समझना, जो है सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व को समझने के लिए थर्मोस्टेट के आगे के प्रोसेस को समझ लेते हैं। जब थर्मोस्टेट की रेंज हम फिक्स करते हैं, उसके बाद यहाँ से जो सप्लाई जाती है वो सीधी जाती है हीटिंग एलिमेंट तक, जो हमारा है हीटर। हीटर ऑन हो जाता है। हीटर ऑन होने के बाद जब पानी गर्म होता है, उसके बाद अगर हमने इसकी रेंज हमने 60 से लेकर 65 डिग्री तक सेट करी है, 65 डिग्री के बाद जो ये है थर्मोस्टेट कट हो जाता है और हमारा हीटर जो है ऑफ हो जाता है। अब यदि हमारा जो थर्मोस्टेट है वो अंदर से शॉर्ट सर्किट हो जाए इसमें, और इसके बाद कट ऑफ से डायरेक्ट सप्लाई थर्मोस्टेट पे जाए और थर्मोस्टेट से डायरेक्ट सप्लाई जाए हीटर के पास, उस केस में क्या होगा, जो थर्मोस्टेट है वो कट नहीं करेगा क्योंकि इसमें जो अंदर है वो शॉर्ट सर्किट हो गया है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो हीटर है वो कंटिन्यू काम करता रहेगा। कंटिन्यू काम करते रहने की वजह से जो गीजर है, गीजर के अंदर बहुत ज्यादा जो है भाप बनना शुरू हो जाएगा। भाप बनेगी तो धीरे धीरे वो इतनी ज्यादा डेंजरस हो जाएगी कि गीजर को फाड़ने तक नौबत आ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब गीजर में बहुत ज्यादा हीट बनेगी, बहुत ज्यादा गैस बनेगी, तो गीजर जो फटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी चांसेस को रोकने के लिए, इसी डेंजरस सिचुएशंस को बचने के लिए कंपनी से लग के आता है सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व क्या काम करता है, जब इसके अंदर बहुत ज्यादा गैस बन जाएगी, बहुत ज्यादा हीट या भाप बन जाएगा, तो ये जो है इसके अंदर जो एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को पुश करता है और ये साइड ऊपर आप देख सकते हैं इसमें होल है, होल से जो है जो गर्म हो जाएगी हीट वो एकदम से बाहर फेंक देगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि जो सेफ्टी वॉल्व होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर होल है जिससे गैस जब गीजर में बने वो एकदम से बाहर फेंक देता है। अब हम इसको खोल के देख लेते हैं और इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या चीज होती है, ये कैसे काम करता है। हम लेते हैं एक रेंच की मदद और इसकी मदद से हम इसको पूरी तरह से बाहर निकाल लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके। अब हमने इसको बाहर निकाल दिया है, आप देख सकते हैं जब हम इनलेट को ऑन करते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट वाटर सप्लाई बाहर निकल जाती है। अब हमारे पास जो है यह है सेफ्टी बॉल। अब इसको ले जाते हैं प्रैक्टिकल टेबल्स पे। अब हमने सेफ्टी बॉल को पूरा ही बाहर निकाल दिया है, आप देख सकते हैं ऊपर एक होल है
एक ठीक इसके अपोजिट में भी दूसरा एक होल्स होगा जो गैस को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है जो नॉर्मल कंडीशन में वाटर को इनलेट से बाहर आने पे रोकता है। इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, जब इस साइड से जब गैस बहुत ज्यादा बनेगी तो बहुत ज्यादा गैस बनने की वजह से यहाँ से जो प्रेशर आएगा और स्प्रिंग को जो है आपस में कंप्रेस कर देगा। जब स्प्रिंग आपस में कंप्रेस हो जाएगी तो यहाँ से गैस सीधी बाहर निकलेगी यहाँ से, और नीचे वाले वाल्व है वहां से भी। चलो हम इसको पहले खोल लेते हैं। ये जो स्क्रू लगा होता है, स्क्रू को जब हम ओपन करते हैं, इसमें 3-4 थ्रेड्स होती हैं। स्क्रू को ओपन करने के बाद स्क्रू को हमने बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद ठीक बाद है स्प्रिंग। स्प्रिंग के ठीक बाद अंदर आप देख सकते हैं यह है ब्लॉक नट। अब हम ब्लॉक नट को भी बाहर निकाल लेते हैं। ब्लॉक नट को जब हम बाहर निकालते हैं, इसको उल्टा करने के बाद ये सीधा ही बाहर निकल जाएगा। ब्लॉक नट को बाहर निकालने के बाद अब जो हमारा सेफ्टी वाल्व है पूरी तरह खाली हो चुका है। इसके अंदर तीन ही चीजें होती है, ब्लॉक नट, स्क्रू और स्प्रिंग। मैं डेमो के लिए आपको सेफ्टी वाल्व के ऊपर असेंबल कर लेता हूँ कि इसके अंदर वो किस तरह से जुड़े रहते हैं। पहले नंबर पर होता है ब्लॉक नट, फिर होता है स्प्रिंग और लास्ट में होता है स्क्रू। कुछ इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे भी बहुत बड़ा मिस्टेक कर लेते हैं, स्क्रू को या तो बहुत ज्यादा टाइट कर लेंगे या स्क्रू को बहुत ज्यादा लूज रख देंगे। वैसे तो इसकी सेटिंग जो है पहले से ही कंपनी से सेट होके आती है, लेकिन फिर भी इसकी सेटिंग कैसे करनी है, जितना संभव हो सके आपने सेटिंग चेक कर लेनी है। स्क्रू इसका हमेशा ही जो है लूज होना चाहिए, स्प्रिंग पे ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। स्प्रिंग में सिर्फ इतना ही प्रेशर होना चाहिए ताकि जो साइड में आप दो होल्स देख रहे हैं वहां से वाटर लीकेज ना हो। अदरवाइज अगर आप स्प्रिंग को बहुत ज्यादा टाइट करोगे तो जब गैस बनने शुरू होगी तो उसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा और फोर्स क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे चांसेस रहेंगे गीजर के फटने के। अब हम इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। जब गीजर के अंदर गैस बनेगी, गैस बनने के बाद जो सेफ्टी वाल्व है ये भी गर्म हो जाएगा और स्प्रिंग भी गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद स्प्रिंग बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। जब गैस बनेगी तो स्प्रिंग सॉफ्ट हो जाएगा और उसमें प्रेशर लगेगा। जो ये होल देख रहे हैं यहाँ से जो है गैस एकदम से बाहर निकलेगी, यहाँ से प्रेशर के साथ गैस बाहर निकलेगी और हमारा गीजर जो है फटने से बच जाएगा। क्योंकि जो स्प्रिंग है वो एक साइड से प्रेस करेगा ब्लॉक नट और एक साइड से प्रेस करेगा स्क्रू। अब स्क्रू इसको बाहर नहीं आने देगा और जो बीच में जैसे ही होल के पास ये पहुंचेगा तो यहाँ से प्रेशर के साथ सीधे गैस एकदम से बाहर निकलेगी और गीजर को सेव करेगा। चलिए अब हम इसको बॉक्स असेंबल करके गीजर में इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले हमने इसमें लगाया ब्लॉक नट, उसके बाद लगाया स्प्रिंग और इसको जो लास्ट में हमने लगाना है स्क्रू। स्क्रू लगाते समय आपने पहले स्क्रू के हाथ से एक दो चुड़िया ऐसे ही चढ़ा देनी है उसके ऊपर, और उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आपने इसको थोड़ा सा बिठा देना है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल में नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते हैं। और आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।